तीन से पाँच बजे के बीच में ये लोग सब गाड़ी चोरी करे, ये तीन से पाँच बजे के बीच में फॉल्स की के माध्यम से इसको गाड़ी को ओपन करके अगर स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट करते वहाँ से लेके जाते, नहीं स्टार्ट हुआ तो ढकल के ले जाके वहाँ से शिफ्ट करके फिर बाद में किसी के सेलर में रखे, हॉस्पिटल के उनके पार्किंग एरिया में रखे, थोड़े रिश्तेदार के पास रखे, इस तरह का डिफरेंट जगह में रख के फिर बाद में वहाँ से डिस्पोज करें। तो केस में सीसीटीवी कैमरा का कितना मदद हो जाएगा? ये केस में ये क्राइम टीम का पूरा एकदम फर्स्ट क्लास काम रहा है इसमें। ये लोग फिजिकली जब ये रेड हैंडेड पकड़े एक्यूज को पकड़ के उसके बाद में इंटरोगेशन में पूरे गाड़ी रिकवर हुए। सीसीटीवी बाद में बैकवर्ड जो भी है एविडेंसेस है बाद में सीसीटीवी के माध्यम से नहीं, सीसीटीवी बाद में किस तरह का ये ऑफेंसेस करे बाद में उसका फायदा होता है, लेकिन पहले जो पकड़े इसको डायरेक्टली वो क्राइम के कांस्टेबल्स जितने भी फील्ड पे थे सस्पिशन के साथ इधर पहले हो रहे थे ऑफेंसेस वहाँ पे ये लोग पूरा निगाह रख के वहाँ से पकड़े। सर ये दोनों मिलके 14 चोरी करे? दोनों मिलके एक आदमी गाड़ी निकालता था ढकल के लेके आने के बाद दूसरे को हैंड ओवर करता था, वो दूसरा ले जाके वहाँ पे किसी के मतलब जगह एक दूसरे जगह में स्टोर करता था गाड़ी। सर 49 सर वही का 49 चार 90 का सकते 10 का सकते। गाड़ी चुप गए हम लोग, गाड़ी नहीं बोल रहा।